बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 84 सीट पर कारीलाल ननोमा को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री सुशील कटारा का टिकट काटकर नए चेहरे को मैदान में उतारा है। ननोमा सीमलवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के महेश रोत और भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा से होगा। बीजेपी के इस ऐलान के बाद अब इस सीट पर बीजेपी बीएपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला तय हो गया है। वहीं इस टिकट के ऐलान के साथ अब बीजेपी के सातों सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इस सीट पर पिछला विधानसभा चुनाव राजकुमार रौत ने जीता था। इस चुनाव में रौत 70,000 से ज्यादा के अंतर से जीते थे, तो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीएपी ने रौत को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके बाद रौत लोकसभा चुनाव जीत कर लोकसभा पहुँच गए। बीएपी ने 84 के अलावा सलूम्बर में भी अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं आपको बता दें, भाजपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहले ही कर दिया था। झुंझुनू विधानसभा सीट से राजेंद्र भांभू को टिकट दिया गया था, तो वहीं रामगढ़ सीट से सुखवंत सिंह को टिकट मिला है। दौसा सीट पर किरोड़ी लाल मीना के भाई जगमोहन मीना पर भाजपा ने भरोसा जताया है। वहीं बात करें देवली उनियारा सीट की, तो इस सीट से राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया गया है। क्वींसर विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रेवत राम डागा को टिकट दिया है। वहीं सलूम्बर विधानसभा से शांता देवी मीना को टिकट दिया गया है। भाजपा और कांग्रेस में अब सीधा मुकाबला है रामगढ़, देवली उनियारा और दौसा में, जबकि 84 झुंझुनू, सलूम्बर और क्वींसर में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। भाजपा और कांग्रेस के अलावा झुंझुनू में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा, क्वींसर में आरएलपी तथा सलूम्बर और 84 में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएंगे। झुंझुनू से अमित ओला कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बता दें गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री थे तथा झुंझुनू लोकसभा सीट से सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे हैं। रामगढ़ से आर्यन जुबैर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो कि भूतपूर्व विधायक जुबैर खान के छोटे बेटे हैं। दौसा से डीडी बैरवा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इनकी पत्नी बीना बैरवा वर्तमान में लवाड़ पंचायत समिति की प्रधान हैं, जबकि स्वयं जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। देवली उनियारा से केसी मीना कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हाल में उन्होंने वीआरएस लिया था। कांग्रेस सांसद हरीश मीना ने इनके टिकट के लिए लॉबिंग की थी। क्वींसर से डॉक्टर रतन चौधरी हैं। पूर्व आईपीएस सवाई सिंह की पत्नी हैं। ज्योति मिधा के साथ ही इन्होंने भी भाजपा ज्वाइन किया था। सलूम्बर से रेशमा मीना कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। यहां कांग्रेस ने रघुवीर मीना की जगह रेशमा मीना को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। जयसमंद पंचायत समिति सदस्य रेशमा ने डबल एमए कर रखा है। 53 साल की रेशमा मीना सराणा पंचायत समिति में पहले 2 बार प्रधान भी रह चुकी हैं। वहीं 84 सीट से, जैसा कि हमने आपको बताया, महेश रौत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। छात्र संघ राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।